नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ के एग्जाम के लिए हम लोग मैथ के डेली 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग के वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप मैथ और रीजनिंग के वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको करना होगा, आप प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मुझे उदय प्रकाश सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे डायरेक्ट लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए बबी किसी काम को 10 व 12 दिन में करते हैं। ए बबी ने मिलकर काम करना शुरू किया व 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, 10 और 12 का एलसीएम 60 जो आएगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ए और बी का हम लोग एक दिन का काम निकालेंगे तो 10 का डिवाइड कर देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा 6। 12 का डिवाइड करेंगे 60 में तो एक दिन का काम आ गया 5। तो इनका एक दिन का टोटल काम कितना है, ए प्लस बी का 6 + 5 इज इक्वल टू 11 यूनिट। इनका वन डे वर्क है 11 यूनिट। तो एक मतलब ए है 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो 3 दिन तो साथ में काम किया ए और बी ने, तो ए का 3 दिन का काम कितना होगा। तो एक दिन का काम जब 11 यूनिट है तो 3 दिन का काम कितना होगा, 11 × 3 = 33 यूनिट। ओके, तो बचा हुआ काम कितना है, टोटल वर्क से हम लोग जो ए का काम है वो हम लोग घटा देंगे तो कितना वो बच जाएगा हमारा काम। तो बी का कितना हो जाएगा, मतलब बी को कितना काम करना पड़ेगा 3 दिन बाद, तो 60 − 33 = 27 यूनिट। ओके, और मतलब टाइम कितना लगेगा काम होने में, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 3 दिन तो ये हो गए ए वाला, 3 + 27 है 27 यूनिट, मतलब टोटल वर्क से हम लोग एक दिन का काम जो बचा हुआ काम है, मतलब ए बी का जो बचा हुआ काम है एक दिन का काम है वो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम आ जाएगा। तो 60/5 या कह सकते हैं जो बचा हुआ काम कितना है 27, तो 27/5 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 3 + इसको 5 से हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 5 × 2/5, फिर इसको हम लोग ऐड कर देंगे 3 + 5 को कितना होगा 8, तो 8 × 2/5 डेज, तो इतना टाइम लगेगा काम पूरा होने में। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं व लड़कियों की संख्या 972 है, तो लड़कों की संख्या बताइए, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट हम लोग मानेंगे 100%, जिसमें से 60% बॉयज हैं। ओके, तो 100 से 60 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40% कितनी हो जाएगी लड़कियाँ हो जाएंगी, 40% कौन हो जाएंगी लड़कियाँ, तो लड़कियों की संख्या दी है, मतलब 40% की वैल्यू है 972, तो लड़कों की संख्या हमें पूछनी है, मतलब x = 60% क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x = क्या हो जाएगा 60 × 972/40, तो ये हम लोग काट देंगे तो कितना आएगा 1458, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1458। अब इसकी सेकंड ट्रिक देख लेते हैं कि क्या होती है। हमें पता है 60% कितने हैं बॉयज हैं 60%, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60% का मतलब बटे में 100, तो 60/100 ये 0 से 0 कटा, फिर ये काटेंगे 3/5, फ्रैक्शन में आ गया 3/5, जिसमें 60% कौन थे लड़के, मतलब 3 हो जाएंगे लड़के, और जो 5 था 100% मतलब टोटल स्टूडेंट, तो 5 कितने हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। तो अगर हम लोग 5 में से टोटल स्टूडेंट में से बॉयज़ की संख्या घटा दें तो वो हमारी गर्ल्स की संख्या निकल आएगी, तो 5 − 3 तो 2 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू कितनी है 972, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 972/2, मतलब 486 लड़कियाँ हो जाएंगी। तो हम तो पूछ रहे बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, तो हमें पता है 3 ऊपर बॉयज़ दिया है, तो 3 × 486। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा 1458। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर की चाल से आता है, भाई आने व जाने में t समय लगाता है, तो दूरी बताइए, तो इसको कैसे करेंगे। तो एक व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, इसको हम लोग लगाएंगे टाइम एंड वर्क की तरीका, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे कितना हो जाएगा x × y। ओके,
या कह सकते हैं एक्स वाई का मान कितना है, टी कह सकते हैं, कैपिटल टी, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इनका एक घंटे का काम निकाल लेंगे। जो हमारा ये आया टोटल डिस्टेंस, तो इनके एक घंटे की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो एक्स का डिवाइड करेंगे एक्स वाई में तो कितना आ जाएगा बाई आर, बाई का डिवाइड करेंगे एक्स वाई में तो एक्स आर, तो इनका वन आवर का डिस्टेंस आ गई, इतनी दूरी तय करती है। तो हमें पता है दोनों मतलब आने जाने में कितना टाइम लगेगा, टी लगता है टोटल, ऊपर दे रहा है टी घंटे में, थ्री घंटे का समय लगता है आने और वापस जाने में। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, मतलब एक्स प्लस वाई का मान है टी, तो एक एक घंटे का मकाम कितना होगा टी अपॉन एक्स प्लस वाई। अब पूछ रहा है आगे की दूरी बताइए, दूरी हमें पता है कितनी है एक्स वाई, टोटल डिस्टेंस हमें पता है एक्स वाई है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर चाल बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉरी देखिए चाल बराबर क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा दूरी इंटू समय, तो दूरी हमें पता है एक्स वाई है और समय कितना आ गया टी अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एलिगेशन का है, जैसे कि एक क्लास का औसत वजन है 15 kg, दूसरी क्लास का औसत वजन है 30 kg। ओके यदि दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन है 25 kg, तो पहली व दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात बताइए, कैसे करेंगे। पहली क्लास का वजन है 15 kg, दूसरी क्लास का वजन है 30 kg, तो एलिगेशन में क्या होता है इधर वाली संख्या कम लिखी जाती है, इधर वाली ज़्यादा लिखी जाती है, बीच में जो होती है इससे ज़्यादा होती है और इससे कम होती है। ओके तो ये 25 kg मतलब औसत वजन, दोनों क्लासों का औसत वजन है 25 kg। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एलिगेट कर लेंगे, ओके घटा लेंगे, तो इसको हमने घटाया 30 से 25 घटाए तो 5 kg, 25 kg से 15 kg घटाए तो 10 kg, तो छात्रों की संख्या पहुंच रहे, तो इसको रेशियो में कैसे निकालेंगे, 5 से कटाइए ये दो, 5 से कटाइए एक और ये दो, 5 से कटा दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 1:2। अगला क्वेश्चन है 1/4 बाय 1/9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है ए बी का मध्य समानुपाती क्या होता है अंडर रूट ए बी, इसमें हम लोग डायरेक्ट ए और बी के मान पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/4 इंटू 1/9, तो इसे बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/3, तो आंसर हो जाएगा 1/6। अगला क्वेश्चन है 18/36 का तृतीय समानुपाती निकालिए, तो तृतीय समानुपाती का जो ट्रिक होती है वो होती है बी स्क्वायर अपान है, बी का मान है 36, ए का मान है 18, तो 36 × 36 अपन 18, तो 18 से 2 36 से कटा तो कितना आया 2, तो 36 × 2 कितना हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले राम व श्याम की जो आयु है, आयु का जो रेशियो था वो 2:3 था, मतलब 5 वर्ष पहले। ओके अब आगे कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो रेशियो होगा वो होगा 3:5, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि प्रेजेंट, ओके ये है प्रेजेंट, वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ओके ये 5 वर्ष पहले हो गया, फिर 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद, ओके तो इसको 5+5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये मतलब बीच में रहेगा प्रेजेंट और ये रहेगा 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले, तो हम लोग पहले 5 वर्ष बाद वाली आयु पहले निकालेंगे। ओके आके कह रहे हैं अब हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का जो रेशियो था 2:3 है, अब 5 वर्ष बाद कितना होगा 3:5, अब हम दोनों इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है 1, अब इसका कितना है 2, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इनमें देखते हैं सबसे पहले, तो 3 में से 2 गए तो बचा 1, 5 में से 3 गए तो बचा 2, ऊपर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो कितना आएगा हमारा, तो देखिए किया 2:2 रेशियो 3:2 और नीचे किया 3:1 रेशियो 5:1, तो आगे क्या आया 4:6, बट तीसरा अरे का 5 वर्ष बाद वाला कितना हो गया 3:5। अब देखिए इनका डिफरेंस बराबर हुआ कि नहीं, 4 में से 3 गया तो 1, देखिए 1 आ गया, फिर 6 में से 5 गया 1 आ गया, रेशियो बराबर हो गया, मतलब 4 से 3 बनने में कितना टाइम लग रहा है 10 ईयर्स का, मैंने आपको बताया था बीच में प्रेजेंट रहता, मैंने यहाँ पे दिखाया प्रेजेंट,
तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम हो गया, 5 + 5 = 10, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई 10। तो आगे 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10 = 30। फिर 5 रेशियो की वैल्यू कितनी, 5 × 10 = 50। मतलब इनकी 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो गई, 30 और 50। तो प्रेजेंट में आयु की क्या होगी, तो देखिए 5 वर्ष बाद से हम लोग प्रेजेंट में जाएंगे तो कितना होगा, 5 घटाना पड़ेगा तभी तो प्रेजेंट में पहुंच पाएंगे। तो 30 से 5 घटाए तो 25, 50 से हम लोगों ने 5 घटाए तो 45, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 70। प्रेजेंट में इनकी आयु का योग पूछ रहा था तो आंसर हो गया 70। अगला क्वेश्चन है कि 16 वस्तुओं का जब क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो मतलब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो इसको हम लोग बटे में लाएंगे तो क्या होगा, CP/SP इज इक्वल टू 14/16। अब देखिए CP कितना हो जाएगा, 7, SP कितना हो जाएगा, 8। देखिए मैंने लिखा हुआ है CP हो जाएगा 7, SP हो जाएगा 8। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, मतलब कोई वस्तु को 7 रुपये में खरीदा और 8 में बेच दिया तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1, मतलब प्रॉफिट हुआ 1। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, 1/1, तो पहले रखेंगे प्रॉफिट बटे CP × 100, मतलब प्रॉफिट है 1, CP है 7, तो 1/7 × 100, तो 100/7 कितना हो जाएगा, 14/2/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20/25 का LCM क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग 20 के फैक्टर करेंगे 2 × 5 × 2, 25 के फैक्टर करेंगे 5 × 5, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब सारी संख्याओं को लिख लेंगे जो कॉमन भी मिल रही है और जो अलग से भी है, मतलब 2 × 5 × 5 × 2, तो आंसर हो जाएगा 100। SCM निकालेंगे तो SCM कैसे निकाला जाता है, मतलब उन दोनों में से कॉमन लिया जाता है, मतलब 5 दोनों में से कॉमन मिल रहा है तो 5 हो जाएगा SCM। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x = 1, तो इसका मान हमें पुट करना है तो क्या आएगा, तो अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को इस तरह से बना लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्या करेंगे, अगर अंश और हर में x से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, x² / x कितना हो जाएगा, x प्लस 3x / x, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा 3, प्लस 1/x ये हो जाएगा, अपॉन x² में x का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x, 7x से x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, फिर 1/x। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x + 1/x + 3 / x + 1/x + 7, इसका मान रख देंगे हम लोग कितना है 1, तो 1+3/1+7 मतलब 4/8, 4 से ये कटेगा आंसर हो जाएगा 1/2, तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो भी नए लोग देख रहे हैं। ओके।